शनि ग्रह का ही है। शनि की जो उच्च राशि है वो लिब्रा साइन है, नीच उसकी एरीज है, और शनि को ही सबसे स्लो चलने वाला पैरेंट बताया गया है, और शनि को ही जज कहा गया है, और शनि को ही वैराग्य का, दुख का प्लैनेट बताया गया है। जितनी लंबी बीमारियां देता है वो शनि देता है, लेकिन शनि जो देता है तपा कर देता है, आसानी से वो नहीं देता है, और शनि की दी हुई चीज कोई छीन नहीं सकता। राहु का काम क्या है, देता बहुत है, चप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन राहु ले लेता है, लेकिन शनि जो है तपा के देगा, हार्ड वर्किंग से देगा, मेहनत से देगा, आपको रुला कर देगा, लेकिन शनि का जो दिया वो कोई वापिस नहीं ले सकता। शनि की दी हुई सजा बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं सब आंखें बंद कर लेते हैं, जब शनि सजा देने पर आता है तो ईश्वर भी आंखें बंद कर लेता है। आपको शंकर जी भगवान वाली भी स्टोरी पता है, हाथी बन गए थे वो, राम भगवान का भी पता है जैसे ही उनको वनवास हो गया कितना। तो और ये नहीं है कि 7.5 साथी आती है या 19 साल की दशा आती है शनि की तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही देगी, वो डिपेंड करती है कि आपके खुद की कुंडली के योग कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी जो हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, सब 7.5 साथी में शनि की उसमें ही वो बने हैं, प्रधानमंत्री बने और अब तक टिके हुए हैं। इसकी दशा में अगर आपको कोई अच्छा स्टेटस, अच्छी पोस्ट मिल गई तो वो आप टिक जाओगे, लंबे समय तक टिक जाओगे। लेकिन शनि जो कहता है कि मैं दूंगा, तो कोलू के बैल की तरह मेहनत करवाने के बाद ही दूंगा, आंखों से आंसू रुला देगा, तपा देगा धूप के अंदर खड़ा करके, तब जाके इसका रिजल्ट देगा। शनि से अगर योग कारक है, शनि अपनी राशि में है, अच्छे केंद्रों में शश नामक महापुरुष योग भी बनता है, जो कि बहुत ही एक बड़ा आपको प्रसिद्धि भी देता है। और अब फर्स्ट हाउस का सैटर्न, अब मोस्टली जो शनि के लिए तो सभी बहुत डरते हैं, लेकिन शनि अच्छे रिजल्ट भी देता है। एक्चुअली शनि फर्स्ट हाउस में ना एरी साइन काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग नीच का माना जाता है, तो यहाँ अगर वो उच्च का भी हो गया तो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली के नीच के रिजल्ट भी जरूर देगा। बाकी डिपेंड करता है शनि की और पोजीशन, अपनी खुद की राशि में है, वीनस की राशि में सैटर्न बहुत प्रसन्न रहता है तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन फर्स्ट हाउस का जो सैटर्न है, इंसान बहुत सीरियस रहता है, डिसिप्लिन वाला रहता है, उसके वैरागी वाला उसका नेचर होता है, सक्सेस बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, तब जाके उसको सक्सेस मिले, लेकिन वो एक बहुत ही डिसिप्लिन रहेगा। ऐसे लोग ही जज बनते हैं, वकील बनते हैं, मेहनत करके जो जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, यूपी की तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते, तब जाके सरकारी नौकरी इनको मिलती है, कलर तब जाके उच्च पद पर ये लोग जा पाते हैं। ऐसे लोगों के जितने भी रिलेशनशिप में होगी ना, तो बड़े बड़े लोगों के साथ होगी। ऐसे लोग जो है ना मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही रहते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है ना हमेशा डिससेटिस्फेक्शन में रहता है, उसको हर चीज ना मैनेजमेंट के साथ चाहिए, डिसिप्लिन के साथ चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तरीके से ही चलता है, बहुत ही सीरियस से। तो फिर अब अगर उसको अपनी अकॉर्डिंग उसको साथ ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम तो फिर वो देगा ही, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ डिले भी कर देगा, क्योंकि सैटर्न का काम है जहां रहेगा वहां इतना अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जहां उसकी एस्पेक्ट जाएगी वहां पर वो प्रॉब्लम ही देगा। ऐसा इंसान लेजी भी होता है और करियर में मेहनती भी होता है। आवाज बंद कर लो अपनी, साउंड आ रहा है। अगर यहाँ पे सैटर्न बहुत खराब है तो कहीं ना कहीं सांस की प्रॉब्लम दे देगा, सांस लेने में, फेस पे कुछ ना कुछ मतलब आपका वो होता है ना अस्थमा, ऐसी प्रॉब्लम दे देगा। एज में आपको लकवा जो आप बहुत प्रॉब्लम है, लंबी बीमारी दे देगा, नसों की प्रॉब्लम दे देगा, टांगों की प्रॉब्लम दे देगा, अगर वो अच्छा सैटर्न नहीं है तो। सेकंड हाउस का सैटर्न लैंग्वेज का हाउस है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलेगा मुंह पे बोलेगा, स्पष्ट रूप से बोलेगा, सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा बर्दाश्त नहीं होगा ऐसे इंसान को। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर सैटर्न के साथ राहु आ गया तो एक नंबर का झूठा, आप ऐसे पर्सन को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो है क्या, जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे अगर सैटर्न के साथ यहाँ पे राहु आ गया, ढोंग करने वाला, हकीकत में अपने मतलब को कैसे हासिल करना है, झूठा, वाणी दोष, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, तरह तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर सैटर्न के साथ अगर राहु है तो वो दे देगा। पैसे खर्च करने में माहिर, दूसरों के पैसे को खुश रहने पर माहिर होता है, और नशा करना, क्योंकि जबान मुंह भी है तो कोई ना कोई नशा सेकंड हाउस का सैटर्न जरूर दे देगा, लंबे नशे का शिकार, कि उसको
चाहिए चाहिए। राहु है तो सिगरेट पीने का शौकीन, राहु एक धुआं है, पैसे को सोच समझ के खर्च करेगा अगर अकेला है, लेकिन राहु या कोई और वीनस आ गया तो फिर वो बेझिझक खर्च करता रहेगा। इंजीनियर बन जाते हैं, फिलोसफिकल बन जाते हैं, एडवाइजर बन जाते हैं ऐसे लोग, और लाइफ में इनके सडन चेंज आते रहते हैं। और सेकेंडली कि घर पर इनको सुख कम मिलता है, घर पर सेटिस्फेक्शन कम मिलता है इन लोगों को, इनकम ऑफ सोर्स इनकी लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती है। और थर्ड हाउस का सैटर्न लेजी बना देगा, ऐसे पर्सन का भाई कम होते हैं, बहन ज्यादा होती है, ये लोग अपने भाई बहनों पे रोब करके उन पर करना, और अगर ये वैसे तो लेजी है लेकिन किसी काम को करने पर आ जाए ना तो बिल्कुल ही मतलब करने पर तैयार हो जाएंगे, मतलब अपने भाइयों में बड़ा होता है ऐसा पर्सन, और दबदबा पूरा बनाए रखेगा, फादर की तरह दबदबा बनाए रखेगा। वैसे तो कुछ सोचेंगे कर लूं चला जाऊं इस तरह की सोच होती है, लेकिन अगर करने पर आते हैं तो 10 मिनट के अंदर पूरा घर साफ कर देंगे, 10 मिनट अंदर अपने सारे पेपर सॉल्व कर देंगे, 10 मिनट में बाहर का सारा काम निपटा भी देंगे। लेकिन यह है कि इनको कई बार ना काम को लटका देंगे तो इनको नुकसान बहुत होता है, क्योंकि ऐसे लोग कई बार ना चीजों की इंपॉर्टेंस को कम समझते हैं, फिर जब चीजें इनकी इंपॉर्टेंस समझती फिर इनको बाद में मतलब समय के साथ चीजें हाथ से चली जाए तो रहता है। इनके हाथों में बहुत क्लियर होती है, क्योंकि सैटर्न जो है ना संयम है, सैटर्न पेशेंस है, तो एक कलाकारी चित्रकारी आराम से लिखना बनाना करना, मोटी मोटी किताबें लिखना, नॉवेल्स लिखना तो, और उनको पढ़ना, इन चीज के लिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर सैटर्न यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है तो भाइयों की वजह से प्रॉब्लम, भाइयों को भी प्रॉब्लम होती है, और ट्रेवल्स करवाएगा तो प्रॉब्लम के साथ ट्रेवल्स करवाएगा। बाकी सैटर्न यहाँ से 9th हाउस को देख रहा है तो रिलीजियस के अंदर इसका अच्छा रुझान रहता है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई भी कर देगा थर्ड हाउस का सैटर्न, बाकी डिपेंड करता है पोजीशन पर। 4th हाउस का सैटर्न केंद्र के अंदर, सैटर्न यहाँ पर अगर प्लेस्ड हो गया तो ऐसा पर्सन जो है लाइफ में डगमगाता कम है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो सुख के घर में जाने से पर्सन के सुख में कमी कर देगा। माता के साथ ये नहीं कह सकते रिलेशनशिप खराब, माता से किसी न किसी तरह से दूरी पैदा कर देगा, माता के सुख में किसी न किसी तरह से कमी कर देगा। घर घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन उसके सुख में कमी कर देगा। जैसे कई लोग सुबह 6 बजे निकले, रात को 11 बजे घर आए, तो घर का जो सुख मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता है। अगर शनि यहाँ पे खराब है, नीच का है, तो ऐसा इंसान का घर भी जैसे कबाड़ नहीं भरा भरा होता, और ऐसे इंसान के घर के आसपास झुग्गी होना, मतलब पुरानी चीजें होना, ये सब चीजें आसपास में, कई लोग कबाड़ पुरानी चीजों को खरीदने का शौक होते हैं, दबा दबा के चीजें रख देते हैं, बड़े लोग जैसे रखते थे, कोई चीज फेंकनी नहीं कभी काम आ जाएगी, तो ऐसे लोगों का ये काम होता है अगर सैटर्न यहाँ पे खराब है तो। बाकी 10th हाउस को देख रहा है तो काम ऐसा करेगा जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, या फिर वकील बन गए, या फिर लंबा कोई सेल्समैन का काम हो गया, या फिर माइनिंग का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, केमिकल का काम हो गया, डिपेंड करता है अदर पोजीशन पर। 5th हाउस का सैटर्न ये भी ठीक है, डिसिप्लिन रखेगा ऐसा पर्सन अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा उनको बार बार टोकना ऐसे नहीं करना, क्योंकि खुद पुराने ख्यालत का होगा, बच्चे अगर दूसरे ख्यालत के निकला है तो कहीं ना कहीं व्यूज नहीं मिलेगा, उनको बोलेंगे ज्यादा हंसो मत, ढंग से बैठो, तरीके से चलो, ये नहीं पहनो, बाल मत खुले रखो, जींस मत पहनो, तो कहीं ना कहीं फिर बच्चों के साथ तो प्रॉब्लम 5th हाउस का सैटर्न दे देता है। पर ये अपनी स्टडी में बहुत बढ़िया रहते हैं, उच्च स्टडी करते हैं, स्टडी में बढ़िया है, और शादी इनकी देर से होती है, और कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेड ही इनकम होती है, ज्यादा इनकम का इनको ठीक है जितना है उसी में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। लैंग्वेज के बहुत टफ होते हैं, जो मुंह में आया बोलेंगे, रफ टफ रहेंगे हमेशा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिलेशनशिप में अदर्स के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, एंटरटेन करना बहुत कम पसंद करते हैं, लाइफ को वैराग्य की तरह जीना पसंद करते हैं। 5th हाउस का सैटर्न, सॉरी 6th हाउस का शनि बीमारी के हाउस में अच्छा है, लेकिन बीमारी दे दी तो लंबी दे दी, अगर ये किसी करियर में अगर ये आ गए तो कहीं ना कहीं फिजिशियन हो जाना, नसों का काम करना, साइकोलॉजिस्ट हो जाना, कोई ना कोई डीप स्टडी होना, ऑकल्ट साइंस के अंदर आ जाना, केट को भी देख रहा है तो माइनिंग का काम होना, इन्वेस्टमेंट का काम होना, LIC वगैरह का काम होना, वकील का काम होना, लोहे का ठेकेदारी का काम होना, तो उसमें ये बढ़िया रहता है मतलब। और साथ में अगर कर्ज वगैरह के लिए है तो सैटर्न के 6th हाउस को कर्ज को थोड़ा सोच समझ कर लेना, लंबा खींच जाता है,
जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको, हार्ड वर्क बहुत होते भी हैं और करना पसंद भी करते हैं। बीमारी अगर इनको आ गई तो कहीं ना कहीं लंबी बीमारी इनको लंबे समय तक परेशान कर सकती है, नसों की बीमारी, आंखों की बीमारी, टांगों की बीमारी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है सैटर्न 6th हाउस में। 7th हाउस का शनि काल पुरुष के हिसाब से अपनी उच्च की राशि में है, लेकिन शादी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देता है, और शादी जो है वो अपनी उम्र से बड़े साथी के साथ इनकी शादी होती है। कहीं ना कहीं अगर दूसरे प्लैनेट सपोर्ट ना करे तो जीवन साथी इनसे बहुत उम्र में 2 3 4 5 साल बड़ा ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन अपने मन चाहे शादी पर्सन से विवाह करने से कहीं ना कहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं उसको रिलेशनशिप में जो वो चाहता है वो एक उमंग एक चार्म होता है ना मैरिड लाइफ में, वो कहीं ना कहीं रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका जीवन साथी बीमार हो या वो कहीं बाहर हो या इनकी बने ही ना या कोई ना कोई व्यूज ना मिलना या धोखा हो जाना, ये सब प्रॉब्लम इनकी रहती है। तो अगर इनकी प्रॉब्लम आ गई जीवन साथी के साथ स्पाउस के साथ तो इनको अब उससे छुटकारा भी नहीं मिल पाता, मतलब बहुत ही लंबी सजा एक तरह से इनको रहती है। सैटर्न 7th हाउस में वैसे तो ठीक है लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बाकी लगन को देखा तो ये खुद डिसिप्लिन वाले होते हैं, वहां से 9th हाउस को देख रहा तो ये वकील का काम, कानून का काम, कोई ना कोई डिसिप्लिन, टीचिंग का काम, प्रोफेसर का काम करना पसंद करते हैं। घर को लेकर भी इनके लाइफ में सुख कम ही होता है। 8th हाउस का सैटर्न सिर्फ एज के लिए अच्छा है, अदरवाइज ऐसे लोग भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुंह में आया बोल देंगे, झूठ इनको पसंद नहीं है सैटर्न वाले 8th हाउस को, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। इनको एक बार धोखा मिल गया तो ये उससे हमेशा के लिए कट जाएंगे, उसको माफ नहीं कर सकते। मैरिड लाइफ इनकी भी डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ इनकी भी डिस्टर्ब होती है। अगर इनको कोई लंबी बीमारी लग गई, वैसे तो होती है 8th हाउस के सैटर्न वाले को, तो ये पूरी जिंदगी उससे जूझते रहते हैं। और अगर लंबी बड़ी है तो इनको 8th हाउस के सैटर्न को मिल भी जाती तो बीमारी भी लंबी में तो रिड़ रिड़ के चलना, ऐसे पैरालाइज वाली, नसों की बीमारी, घुटनों की बीमारी, ज्वाइंट्स की बीमारी, नस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब लंबी बीमारी बहुत डिस्टर्ब करती है। मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी इनकी, कहीं ना कहीं करियर में भी इतना स्ट्रगल करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे का इनको पैसा मिलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर एस्ट्रोलॉजी में आ गए, कोई ऑकल्ट में आ गए, कोई माइनिंग में आ गए, कोई फिलोसफर बन गए, जासूस बन गए, कई लोग होते हैं ना कि वो जो जो जलाते हैं शमशान घाट में जाके, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, वो तो वो वाला भी ये लोग काम करना पसंद करते हैं, वो उसमें भी बड़े होते हैं, पूजा करवाना। अब जो मरने के बाद जो पोस्टमार्टम होती है लाशों की, डेड बॉडी की, डेड बॉडी से रिलेटेड कोई भी जो भी काम है, उनके पार्ट्स को निकालना, दूसरे ऑर्गन से फिट करना, ये सब काम अगर ये करते हैं तो रहता है। ससुराल वालों से इनकी इतनी नहीं बनती क्योंकि खुद ही इतने डिसिप्लिन और खुद ही इतने अलग तरीके के होते हैं, तो ये उनको व्यवहार दूसरों का पसंद कम ही आता है। बच्चों के साथ भी रहता है कि बच्चे मेरे साथ रहें और मेरी सुने, तो कहीं ना कहीं फिर व्यूज बच्चों को इनके थोड़े से काटते हैं। 8th हाउस का सैटर्न निराशा बहुत देता है, सैडनेस बहुत देता है, ऐसा इंसान चाहता है कि दूर चला जाए। कोई भी इनको अगर प्रॉब्लम भी होगी तो, अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो बहुत ही डर ही बना रहता है इनकी जिंदगी के अंदर कि क्या होगा आगे। 9th हाउस का सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न अच्छा है, इनकम सोर्स थोड़ा सा इनकी लिमिटेड ही देगा यहाँ पे अगर 9th हाउस का ही है, बाकी दूसरे प्लैनेट पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा कम बनती है क्योंकि डिसिप्लिन वाले पेरेंट्स होते हैं तो ये थोड़ा सा अपने आप को बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर करियर के लिए अच्छा है, अच्छे जज, वकील, ऑफिसर, यूपीआई की जॉब करना, अपना बड़े ऑफिसर बनना, कमिश्नर, अच्छे सैनिक उसमें जाना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, कोई भी लंबा काम जिसमें बहुत डीप स्टडी करके, रिसर्च करके, मेहनत करके सक्सेस मिलती है, साइंटिस्ट बनना, घंटों घंटों आधी आधी रात तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते रहेंगे। इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो हाई लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप बनते हैं तो बढ़िया है, बाकी मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना बार बहुत प्रॉब्लम कर देता है। 10th हाउस का जो सैटर्न है ये भी अच्छा है, मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं 10th हाउस और 9th हाउस का सैटर्न। इनको सीट अच्छी मिलती है, मंत्री, नेता, मतलब कोई बड़े साहूकार, ठेकेदारी, कोई अधिकारी, जमीन से जुड़ा कोई बड़ा काम, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में अपने को उच्च बन हाई उसमें बनाना, पैसा इकट्ठा करके रखना, ये सब, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम, ये सब इनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा देता है। लोहे का कोई काम हो गया, केमिकल का कोई काम हो गया, टैक्स से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो 10th हाउस का सैटर्न बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे करियर में मेहनत भी करवाएगा और देगा भी।
घूमने का इनको शौक कम होता है, लेकिन इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने होते हैं बाहर के, साथ में घर का सुख इनको भी कम मिलता है, मैरिड लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनी रहती है। 11th हाउस का सैटर्न ये भी अच्छा है, लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा और अपने साथ ही ऐसा इंसान कहीं ना कहीं जूझता रहता है, लेकिन इनकम सोर्स इसकी अच्छी होगी और तरह तरह के रिलेशनशिप बनाएगा, दूर दूर से रिलेशनशिप बनाएगा, इसको खुद ही नहीं पता होता कि लोग मुझे कितना जानते हैं। और साथ में वैसे भी इसका अपनी साइन का है, 10th और 11th में इसकी अपनी राशि आती काल पुरुष की, तो बहुत हैप्पी रहता है यहाँ पे शेयर मार्केट में जाना, इनकम सोर्स में करना, वकील जज अच्छे अच्छे पद पर बैठना, पॉलिटिक्स में करना, ये सब 11th हाउस का सैटर्न इनको अच्छा देता है। इनकी रिलेशनशिप भी ऊंचे ऊंचे लोगों से होती है, उठना बैठना, लोहे का ऊंचा काम, जितना भी खदान से रिलेटेड काम है, तेल का काम है, छापने का काम है, ईंटों का है, बड़ी बड़ी जमीन से, ये सब जितना भी बिजनेस है इनका, इनको सैटर्न वालों को मिलता है। कहीं ना कहीं इनको कई बार ऐसा होता है कि इतनी इनकी स्टडी नहीं होती, इतनी इनका एजुकेशन नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा इनको बिजनेस सेटअप ये लोग करते, क्योंकि सैटर्न 10th 9th 11th हाउस का सैटर्न जो है बचपन से ही मेहनत करने के लिए लग जाता है, और बचपन से की हुई मेहनत तो उनको एक ना एक दिन, तो वैसे ही सैटर्न ऐसा प्लैनेट है कि मेहनत का फल देता है, देर से लेकिन लंबा देता है, तो ये लोग बचपन से ही मेहनत में घुस जाते हैं, तो इनको एक बार हाई स्टेटस इतना अच्छा मिलता है कि इनकी मेहनत सफल हो जाती है। 12th हाउस का सैटर्न ये कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, लेजी भी बहुत हो जाते हैं, जबान बहुत खराब होती है, बहुत जल्दी वैराग्य की होती है, मोक्ष की तरफ भागते हैं, उदास से हो जाते हैं, अकेलापन से समझते हैं, और पैसे में पैसे को लेकर भी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, कहीं ना कहीं कानून में अगर इनका लंबा चल गया कोर्ट केस तो वहां पर इनका पैसा बहुत खर्च होता है, इनको शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रु, लंबे शत्रु खींचने वाले इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर ये अपना घर छोड़कर बाहर कहीं जाते तो वहां पर भी इनको प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हेल्पिंग पावर भी बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली में कहीं ना कहीं दूर जाकर बसना इनका मन करता है, ये सोचते हैं कि जीवन क्या है, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, जीवन की सच्चाई क्या है, उसके अंदर ये ज्यादा बिलीव रखते हैं। बाकी अगर ये वर्क करें तो कानून का काम, अपना सैनिक का जैसे काम हो गया, कोई भी पुलिस अधिकारी का काम हो गया, या डॉक्टर का कोई काम हो गया, तो डेड बॉडी से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो ये 12th हाउस वाले सैटर्न वाले ये काम को करना पसंद करते, उसमें लोग सक्सेस भी पाते हैं।